आगे बढ़ने से पहले जनाब एक काम कर दीजिए, सब्सक्राइब के लाल बटन पर प्रेस कीजिए और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को, ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल और हम घूम रहे हैं छत बीड जू में। तो हमने अभी थोड़ी सी मस्ती की कुछ बच्चों के साथ, कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे आए हुए थे, और अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ पानी वाले पक्षी दिखाने के लिए, ठीक है, जहाँ पर आपको हंस बत्तख वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मिलेगी। तो अभी हम पानी के पास जा रहे हैं और अंकल जी से मैं अभी थोड़ी बात ही कर रहा था, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहा था बायोडाइवर्सिटी के बारे में, क्योंकि अंकल जी गांव से हैं तो इनको ज़्यादा इनकी नेचर से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मैं भी गाँव से हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं आगे जाके। तो ये कुछ नज़ारा है और अभी हम बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पे पहुंच चुके हैं छत बिरजू के। थोड़ी ही चीज़ें और दिखाने रह गई है, ये लास्ट वीडियो होगा जिस सीरीज की, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर मैं पानी वाली जगह पे पहुंच चुका हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ थोड़ी थोड़ी सी ठंडक सी बढ़ने लगी है, क्योंकि पानी से जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है उसका असर दिखने लगा है धूप में भी, ठीक है। तो आप सामने देख सकते हो वहाँ पर बत्तख पानी में तैर रही हैं, ठीक है, वाइट कलर की। मैं अभी देखिए यहाँ पर कैमरा एक जगह रख कर और जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो देख सकते हो भाई यहाँ पर पानी से ठंडी ठंडी वाइब्स आ रही है ना, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अभी मैं स्क्रीन पे आके भी आपको दिखाऊंगा, तो देख सकते हो यहाँ पर हमने कहाँ से शुरू की थी जर्नी और हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो देखिए मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मेरे पीछे देख सकते हो आप यहाँ पर बत्तखें, यहाँ पर मेरे पीछे आप यू कैन सी बिहाइंड मी। सो गाइस आई होप कि आपको पसंद आ रही होगी वीडियो, ठीक है। तो चलिए मैं पिछला कैमरा ही ऑन कर लेता हूँ, इतना आ नहीं रहा था व्यू सा, ठीक है, देख सकते हो भाई। मैं पहुंच चुका हूं भाई हमारी प्रजाति के कुछ लोगों के पास, हमारी तो नहीं, मीन्स डैट कि लोग मानते हैं कि बंदरों से पैदा हुए हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है। इवोल्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे तो एक पैरेलल इवोल्यूशन चलता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर तरह तरह के बंदर, तरह तरह के चिंपांजी, बबूंस यहाँ पर रखे हुए हैं, तो देख सकते हो भाई यहाँ पर। और यहाँ पर सख्त यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर लोहे की जालियाँ लगाई गई, क्योंकि देखिए जो ये बंदर होते हैं ना ये बड़े शरारती होते हैं यार, ठीक है, तो ताकि कोई हानि ना पहुँचे लोगों को, तो इसलिए यहाँ पर ये सारा इंतज़ाम किया हुआ है। देखिए यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर बंदर बबूंस वगैरह वगैरह यहाँ पर सारे रखे हुए हैं, देख सकते हो भाई आप।
देख सकते हो आप यहाँ पे सारे सारे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये व्लॉग। कैमरे की क्वालिटी के लिए माफ़ी चाहूँगा, फ़ोन से ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये क्या भाई, ये तो खुले में घूम रहा है यार खुले में हिरण घूम रहा है, कहीं से भाग के आ गया होगा खुले में खुला ठीक है, कोई हानि नहीं पहुँचाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये खुले में घूम रहा है। तो गाइज अभी चलने का वक्त हो गया है, बिल्कुल हम दूसरे छोर पे पहुंच चुके हैं छतबिरजू के, जहाँ से हमने शुरू किया था सारा का सारा घूम के, और करीब एग्जिट पॉइंट पे हम आ चुके हैं। और दिन के भाई 2:30 के करीब हो चुका है, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर। और चलिए मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, न्यू सीरीज में, और तब तक हमारा ये यूट्यूब चैनल देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो तो लाइक कर दीजिए। एंड इस सीरीज़ की सारी वीडियोज़ आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो मैं चेतन आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो से, तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, देखते रहिए हमारा अपना चैनल व्लॉग ट्रेजर, एंड डू सब्सक्राइब गाइज, डू लाइक एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।